नमस्कार दोस्तों, व्यास ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चढ़ा था साढ़े के बारे में, जिसको खुरमानी भी बोलते हैं और ये छोटे छोटे हैं और हमारी लोकल लैंग्वेज में साढ़े बोलते हैं इनको। इनको गिराऊंगा मैं पेड़ से और नीचे भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं ये। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये देखो, हम इस तरह से गिराएंगे इनको। बहुत मुश्किल होते हैं ये गिराने। पेड़ में चढ़कर ये देखो दोस्तों, हमने गिराए वो खुरमानी साढ़े। ये देखो, देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा। ये है, ये खाने में पींच बोलते हैं इसको, खाने में बहुत अच्छा होता है। खाने में मैं निकालता हूँ इसको, ऐसा कुछ इस तरह निकलेगा, ये कुछ ऐसा होता है। ये देखो, खाने में ठीक होता है। चलो खा के देखते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं इतना पुराना पेड़ है ये। इस पुराने पेड़ में घोंसला भी है चिड़िया का, मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखो ये बनाया है, एक चिड़िया रहती है यहाँ पर, तो उसने घोंसला भी बनाया, अंडे भी है उसके। ये देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको, पलम भी देखो थोड़े थोड़े लाल हो रहे हैं, कलर आ रहा है इसमें। देखो, देख सकते हैं आप, ये देखो, ये एक हफ्ते के बाद तोड़ दिए जाएंगे ये पलम। और जो मैंने जंगली जो देसी खुरमानी साड़ा होता है वो उठा के लाया मैंने इधर। देखो ये, देखो यहाँ पर ये, और इसको यहाँ पर सड़ने के लिए रखेंगे। जब ये सड़ जाएंगे उसके बाद इसको पानी के नीचे धोएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। धोने के बाद इसमें जो अंदर गिरी होती है, जिसको गुठली भी बोलते हैं, उस गुठली को निकालेंगे और सुखाने के लिए रखेंगे। सुखाने के बाद फिर इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद जो अंदर गिरी होती है उसका तेल निकालेंगे। तो आई होप दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।